एक्सरसाइज 10.1 में हम लोग तीन क्वेश्चन पढ़ चुके थे, चौथा देखिए। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 3/8 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, तो इसको वर्ड में देखिए कैसे लिखेंगे। इसको वर्ड में लिखने के लिए हो जाएगा 3/8। वैसे भी हो जाएगा 1/4, ये 1/2 हो जाएगा, ये केवल हाफ हो जाएगा। डी हो जाएगा 5/7, बस लास्ट में एस लगा देना है, टी एच एड करके एस लगा देंगे। पांचों पे आ जाइए। राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शंस रिटेन इन वर्ड, जो भी वर्ड में लिखा हुआ है उसको फ्रैक्शन में कर लेना है। ठीक, इस क्वेश्चन के उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक रिवर्स कर दिया है। तो पांचों पे देखिए 1/5 लिखा हुआ है तो इसको 1/5 लिख देंगे। ये 5/6 लिखा हुआ है तो 5/6 लिख देंगे। ये 3/11 है तो 3/11 हो जाएगा। 7/8 है तो 7/8 हो जाएगा। 7/15 है तो 7/15 हो जाएगा। ऐसे ही ये एस तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें आप लोगों को बताना है कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक, चैप्टर को स्टार्ट करते समय ही बताया गया था आप लोगों को न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इसका नाम लिख देना है, न्यूमरेटर हो जाएगा 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख के तीर का निशान लिख के दिखा देना है न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। वैसे ही 5/8 में 5 हो जाएगा न्यूमरेटर और 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। 4/11 में 4 हो जाएगा न्यूमरेटर और 11 हो जाएगा डिनोमिनेटर। डी में 8/9 है तो 8 हो जाएगा न्यूमरेटर और 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अगले क्वेश्चन पे आइए। राइट द फ्रैक्शन इन विच, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दिया है, आप लोग को फ्रैक्शन करना है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा है। जैसे इसका आंसर लिखा गया है वैसे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। न्यूमरेटर दिया हुआ है 3, डिनोमिनेटर कर दिया है 5। तो न्यूमरेटर अभी बताया है कि न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। बी में देखिए 2 दिया हुआ है न्यूमरेटर और 7 दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/7। सी में न्यूमरेटर 8 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। इन 10/7 द डॉट 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 इज 17, पूछ रहा है इसमें 17 क्या है, तो नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, तो इसमें भर देंगे हम डिनोमिनेटर। बी में 15/23 में 15 क्या है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर। सी में पूछा है द न्यूमरेटर इज, इसमें न्यूमरेटर लिख दिया है, पूछा है न्यूमरेटर कौन सा है, तो ऊपर वाले को ये न्यूमरेटर बोलते हैं तो ये हो जाएगा 11। डी में इन 25/9 द इज 25 and 29, इसमें दोनों को बताना है, तो 25 ऊपर है तो 25 हो जाएगा न्यूमरेटर और 29 नीचे है तो नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतना आप लोग होमवर्क में करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।